एक कॉमन सेंस की बात है कि जब सब कुछ बनाने वाला अल्लाह है, जब सब चीज का मालिक अल्लाह है, कोई और किसी चीज का मालिक नहीं है, तो फिर इबादत किसी और की कैसे हो? क्या एक बंदा दूसरे बंदे की इबादत करेगा? सही बात क्या है, जब हर चीज का बनाने वाला अल्लाह है तो क्या हम ऐसे की इबादत करेंगे जो खुद बना हुआ है? खुद बना हुआ है, क्या एक बना हुआ मखलूक दूसरे बने हुए मखलूक की इबादत करेगा? क्यों ना बने हुए की इबादत करें, जवाब क्यों ना बना हुआ खालिक बनाने वाले की इबादत करें, मखलूक खालिक की इबादत करें? एक मखलूक दूसरे मखलूक की इबादत क्यों करें? जो किसी चीज का मालिक नहीं है उसकी इबादत कैसे करें? जो खुद अल्लाह का मोहताज है उसकी इबादत कैसे करें? हर चीज का जो मालिक है उसकी इबादत करें ना, जो अल्लाह के हाथ में सब कुछ है अल्लाह ही की इबादत करें। जो किसी चीज का चलाने वाला नहीं है उसकी इबादत क्यों करें? क्यों ना उसकी इबादत करें जो हर चीज का चलाने वाला है, जिसके हाथ में सब कुछ है, जिसके हाथ में कुछ नहीं उसकी इबादत क्यों करें? तो मेरे भाइयों सही बात क्या है, कॉमन सेंस की बात है कि सारी इबादत होनी चाहिए सिर्फ अल्लाह की। अब इस ताल्लुक से हम पहले दलायल देखेंगे, और दलायल में सबसे पहली दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिनों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। मेरे भाइयों मेरी बहनें, आप अल्लाह से मोहब्बत करते हो, आपके अंदर एहसास है अल्लाह के एहसानों का, तो सबसे प्यारी और सबसे कीमती चीज आप इंसानों के लिए ये कर सकते हैं कि आप ये बात को सीखें और किसी को सिखाएं, आप सीखें और लोगों को बताएं। अगर आपने किसी को तौहीद का पैगाम बताया तो आपने सबसे प्यारी चीज बताई, सबसे कीमती चीज बताई। तो ये बहुत अहम है हम सबके लिए कि हम लोग ये बात को सीखें और सिखाएं कि वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, अल्लाह कहता है मैंने बनाया है जिनों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए। और हम देखते हैं सूरतुल इसरा में सूरह 17 आयत नंबर 23 वकदा रब्बुका, तुम्हारे रब ने फैसला किया अल्लाह ताबुदू इल्ला इयाहु, कि तुम नहीं इबादत करो सिवाय अल्लाह की। इबादत किसकी होनी चाहिए? सिर्फ अल्लाह की, नहीं इबादत होगी सिवाय अल्लाह की। तो यहां पे बात क्या है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के, सारी इबादतों पर सिर्फ अल्लाह की हक है, क्योंकि कोई और इबादत के लायक ही नहीं है, अल्लाह ही है जो उन इबादतों के लायक है, क्योंकि वही है जो वो डिजर्व्स इट, कोई और डिजर्व ही नहीं करता, किसी और का उसका मुस्तहिक ही नहीं है कि इबादत की जाए। जो मखलूक है उसकी इबादत करेंगे, जो खुद मोहताज है उसकी इबादत करेंगे, जो खुद बना हुआ है, जिसके हाथ में कुछ नहीं है, जो किसी चीज का मालिक नहीं है उसकी इबादत करेंगे। तो सही बात क्या है, सिर्फ अल्लाह इसका मुस्तहिक है कि अल्लाह की इबादत की जाए, सिर्फ अल्लाह ही की इबादत होनी चाहिए। तो हम ये देखते हैं मेरे भाइयों, अल्लाह ताबुदु इल्ला इयाहु, नहीं इबादत करो सिवाय अल्लाह की। यहां पे क्या है, बहुत से लोग बोलते हैं कि हम गॉड से भी मांगते हैं, इनसे भी मांगते हैं, अल्लाह से भी मांगते हैं, मखलूक से भी मांगते हैं। यहां पे क्या है, नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद तलब करते हैं, तुझसे भी तलब करते नहीं है, तुझसे ही तलब करते हैं। अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु, तुम्हारे रब ने मुकर्रर किया नहीं इबादत करो सिवाय अल्लाह की। तो नहीं करना है कोई और इबादत, यह है तौहीद कि किसी और की इबादत नहीं होगी। हमारी सारी इबादत, हमारी सारी वर्शिप, और सारे इंसानों के अतबार से सारी पूजा उपासना बंदगी सब चीज पर सिर्फ एक हमारे मालिक का हक है, किसी और का नहीं। सारी इबादत सिर्फ उस एक मालिक के लिए। और हम देखते हैं कि कुरान की आयत है सूरह नाम की सूरह 6 आयत नंबर 162, कुल कह दो उनसे इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी मेरी कुर्बानी, नमाज मेरी कुर्बानी, व माहियाया मेरी जिंदगी, व ममात मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब अल्लाह ही के लिए जो सारे जहानों का रब है। तो हमारी नमाज, हमारी कुर्बानी, हमारी जिंदगी, हमारी मौत, सब अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है। सारी की सारी इबादतों पर किसका हक है? अल्लाह का हक है। हाँ, इबादतें किसके लिए? अल्लाह के लिए। तो मेरे भाइयों मेरी बहनें, बहुत एक बेसिक बात है जो हम सबको समझना है, बहुत बेसिक बात है, यही तो बात समझानी है भाई, कौन सा पहाड़ है। सबसे सिंपल बात, सबसे कॉमन सेंस की बात यही है कि सारी इबादत पर सिर्फ अल्लाह का हक है।